हमारे देश में मधुमक्खियों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें 3 स्वदेशी और 1 विदेशी प्रजाति है। स्वदेशी मधुमक्खियों में भौरा भारतीय और छोटी मधुमक्खी शामिल है और विदेशी प्रजाति में इटालियन मधुमक्खी शामिल है। छोटी मधुमक्खी मैदानी क्षेत्रों में समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती हैं और यह अपना छत्ता वृक्षों की शाखाओं और झाड़ियों में बनाती हैं। लेकिन इनमें बकछुट की प्रवृत्ति यानी कि अपनी बक्से को छोड़कर दूर भाग जाने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, जिस कारण इसे बक्सों में नहीं पाला जा सकता है। साथ ही इसके एक छत्ते से साल भर में मात्र 200 से 250 ग्राम की मधु का उत्पादन होता है। दूसरी प्रजाति है भौरा। यह लगभग पूरे भारत में पाई जाती है और प्रतिकूल मौसम से बचने के लिए यह मधुमक्खियां लंबी दूरी तक पलायन करती हैं। प्रवासी आदत होने की वजह से इसे भी बक्से में नहीं पाला जा सकता है। यह आकार में दूसरी मधुमक्खियों की तुलना में बड़ी होती है और यह अपना छत्ता एक स्थायी कड़ी जो ऊंचे वृक्ष या मकान के नीचे या पहाड़ के चट्टानों में बनाती है। लेकिन इसके एक छत्ते से एक साल में लगभग 50 किलोग्राम मधु का उत्पादन होता है। यह है भारतीय मधुमक्खी। यह अपने छत्ते समांतर अंधेरे में घनी झाड़ियों, खोखले वृक्षों और टूटे फूटे घरों की अलमारियों में बनाती है। यह शांत और पालतू स्वभाव की होती है, जिस कारण इसे कृत्रिम रूप से बनाए गए मधुमक्खी पेटियों में पाला जाता है। एक साल में एक छत्ते से लगभग 10 से 12 किलोग्राम मधु का उत्पादन किया जा सकता है। अब बारी आती है विदेशी प्रजाति यानी इटालियन मधुमक्खी की। यह मधुमक्खी पूरे यूरोप में पाया जाता है, या फिर यूं कहें कि इसे पूरे विश्व ने अपना लिया है। इसके कई कारण हैं, जैसे इसके परिवार में घरछुट की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। साथ ही इसे शांत स्वभाव की और अच्छी मधु एकत्र करने वाली मधुमक्खी मानी जाती है और प्रति वर्ष एक परिवार से लगभग 40 किलोग्राम मधु उत्पादन किया जा सकता है। मधुमक्खियों की प्रजातियों में सिर्फ यही एक प्रजाति है जो प्रोपोलिस यानी मधुमक्खी गोंद इकट्ठा करती है।